जिला दमोह के शहर अनुभाग चोरी और सेंधमारी गृह भेदन के 9 अपराधों का नए कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक डीआर टैनीबार द्वारा किया गया खुलासा। आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 9 लाख का माल बरामद किया गया। 2021-22 में शहर दमोह देहार क्षेत्र में कई चोरी नकबजनी की वारदातें हुई है, जो पुलिस के लिए निरंतर चुनौती बनी थी। उन वारदातों के संबंध में थाना क्षेत्र में संपत्ति संबंधी प्रकरणों में आरोपियों की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक दमोह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सत्येंद्र सिंह राजपूत एवं थाना प्रभारी दमोह देहात निरीक्षक विजय सिंह राजपूत ने निर्देशकों को गंभीरता से लिया। टीआई दमोह देहात को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना कोतवाली के संपत्ति संबंधी अपराध के घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फोटो में दिख रहा संदिग्ध एक व्यक्ति सीता बावली मरघटा के पास खड़ा है, जिसकी सूचना से थाना प्रभारी कोतवाली को अवगत कराया गया। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर आरिफ पिता लाल खां उम्र 33 वर्ष निवासी चैनपुरा बजरिया दमोह के रूप में पहचान होने पर आरोप को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। आरोपी आरिफ के द्वारा अपने साथी इश्तियाक उम्र 40 साल निवासी सीता बावली, दूसरा सिकंदर उम्र 35 साल निवासी शोभा नगर, तीसरा आकाश निवासी दमोह, चौथा सूरज निवासी दमोह के साथ मिलकर 5 मार्च को सिकंदर खान के साथ मिलकर चोरी की घटनाएं घटित करना स्वीकार किया है, जिसमें सिविल वार्ड 6 धर्मपुरा नीलकमल गार्डन ऑफिसर कॉलोनी विवेकानंद कॉलोनी आम चोपड़ा सिद्धिविनायक कॉलोनी में चोरी नकबजनी की घटना करना स्वीकार किया है एवं आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया माल भी आरोपियों के बताए अनुसार बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। फरार आरोपी आकाश पिता राकेश जाटव निवासी चैनपुर दमोह, सूरज निवासी चैनपुर दमोह, जवाहर पिता हुकुम सिंह निवासी बालाकोट जमुनिया दमोह फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। आरिफ खान, इश्तियाक और सिकंदर नामक आरोपियों से प्राप्त जब्त माल का विवरण, एक सोने का मंगलसूत्र, साथ ही चांदी और सोने की रकम के साथ साथ और भी कई माल बरामद किया गया है। तीनों पर कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। दमोह अनुभाग में थाना कोतवाली और दमोह देहात थाने के संयुक्त प्रयासों से एक नकबजनों की गैंग ट्रेस हुई है। इस नकबजनों की गैंग में 3 आरोपी सिकंदर, आरिफ और इश्तियाक, ये को दस्तयाब किया गया। इनसे बारीकी से पूछताछ की तो हमारे कस्बा दमोह के 7 वारदातें नकबजनी और दमोह देहात थाना क्षेत्र के 2 वारदातें नकबजनी की इन्होंने कबूल की है। और इनमें जो मशरूका चोरी गया था वो भी बरामद हुआ है। इन टोटल 9 वारदातों में 8,70,000 का मशरूका सोने चांदी जेवरात और नकदी जो है बरामद की। इस गैंग के 3 साथी सूरज, आकाश और जहार ये फरार हैं। जब भी मिलेंगे इनसे भी पूछताछ की जाएगी और इसका जो वारदात का जो शेष मशरूका है वह इनसे बरामद किया जाएगा। इनकी वारदात का तरीका था कि सिकंदर और इश्तियाक ये रेकी करते थे, एक कबाड़े की जो है ठेला चलाता था और एक जो नाली का निर्माण कार्य का काम करता था, ये दिन में रेकी कर लेते थे। जिसका 1-2 दिन से मकान बंद है उस मकान की जानकारी एकत्रित करते थे कि बाहर गया कहीं, और सोने घर को देख करके रात्रि में सुनसान समय पर ये वारदात को अंजाम देते, ताला तोड़ करके नकब लगा करके वारदात करते थे और ये माल आपस में बांट लेते थे। तो ये जो 8 लाख से अधिक का मशरूका जो बरामद हुआ है ये गिरफ्तारशुदा 3 आरोपियों से बरामद हुआ है। शेष माल जो है आरोपी की शेष तलाश की जा रही है, जो फरार आरोपी हैं शीघ्र इनको दस्तयाब किया जाएगा, इनसे रिकवरी की जाएगी। साथ ही इन आरोपियों को पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और भी वारदात खुलने की जो है उम्मीद की जा रही है।